हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। यहां पर VTUP से एक ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये नोटिस कहां से आया है, ये यूनिवर्सिटी लखनऊ का नोटिस है, ठीक है, पोस्टपोन वाला। और यहाँ पर बच्चों पोस्टपोन कर दिए गए एग्जाम, ठीक है। अभी आपको पूरा बताएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एग्जाम को लेकर मीटिंग चल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को जरूर बेटा ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। और टेलीग्राम को तो जरूर ही ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ऑफिशियल लेटर निकाला गया है, कौन सा कॉलेज है, देखिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप देख सकते हो राजीव मलिक, ठीक है, जो कि हमारे ऑफिशियल यहाँ पर वेरीफाइड अकाउंट है। यहाँ पर देखते हो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लिए सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम पोस्टपोन किया गया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का किया गया है, ना कि BTUP का, ठीक है। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए है, BTUP के लिए नहीं है। बहुत सोचे इसमें कन्फ्यूज हो रहे थे तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। और आपके एग्जाम को लेकर मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो परेशान ना हो। यहाँ देख सकते हो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से नोटिस आया है और इसमें जो भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया भाई, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों का भी एग्जाम हो सकता है पोस्टपोन, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पोस्टपोन हो सकता है, कंफर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नोटिस में बताया जा रहा है COVID-19 के केस के कारण यहाँ पर इन लोगों का एग्जाम है वो पोस्टपोन किया गया है। यहाँ देख सकते हो आप लोग COVID-19 केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनका एग्जाम पोस्टपोन किया गया है। कौन सा यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ऑफिशियल लेटर निकाला गया है। अब बात करते हैं BTUP स्टूडेंट्स के लिए, BTUP का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है, कंफर्म यहां पर नहीं है। यहां देख सकते हो इस पेपर में कटिंग आ रही है, ऑनलाइन हो सकती है पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं। अब सचिव में मीटिंग चल रही है तो सब आपको पता होगा कि 20 जनवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, बट अभी कंफर्म नहीं है वो एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इसमें भी डाउट बना हुआ है काफी सारे स्टूडेंट्स का। पिछले साल आपको पता होगा एग्जाम आपके ऑनलाइन कराए गए थे। अब देखिए इसमें जो मेन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आर्टिकल हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आराम से पढ़ लीजिएगा। मेन क्या है, देखिए परीक्षाएं ऑनलाइन हुई तो छात्र घर बैठे देंगे परीक्षा, प्रश्न पत्र का पेपर बदला जाएगा, परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, परीक्षा 1.5 घंटे की बजाय यहाँ पर 1/2 घंटे की ऐसी कुछ देखा है यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा परिषद ने। देखिए सुनील कुमार सोरगन जी ने क्या बताया, ये देखिए भाई बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन पर निर्णय प्राविधिक शिक्षा विभाग को लेना है, यानी कि हमारे जो BTUP के सचिव हैं उनको निर्णय लेना है। इस पर मीटिंग चल रही है और मीटिंग बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है इन लोगों की, और उनकी मीटिंग जैसी समाप्त होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी आप लोग ना ले। अभी आप लोग यही मान के चलो कि आपके एग्जाम है वो 20 जनवरी से होने वाले हैं और ऑफलाइन मोड में ही होने वाले, ऐसा मान के चलो, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आते ही कंफर्म हो जाएगा कि आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे या फिर एग्जाम पोस्टपोन होगा। लेकिन इंटरनल यूनिवर्सिटी की नकलों की एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, यह ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप मैंने आपके सारे डाउट दूर कर दिए हैं। मीटिंग चल रही है, यहाँ पर काफी चांसेस बन रहे हैं कि आपके एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, BTUP एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ई वाला एग्जाम तो ही पोस्टपोन हो गया, और काफी सारी अपडेट आती रहेंगी। मीटिंग का रेस्पॉन्स बहुत जल्दी आने वाला है, तो जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों की क्या राय है कि ऑनलाइन एग्जाम हो या फिर ऑफलाइन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।